हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और चलिए अब हम बात करने वाले हैं इस बार के सैटरडे के एपिसोड के बारे में, जो कि देवानंद साहब का स्पेशल एपिसोड रहा था। दो बड़े नामी गिरामी चेहरे थे, एक तो जीनत अमान जी थी जिन्हें की लॉन्च किया गया था देवानंद साहब के मेंटर्स में से। वो कहती है मेंटर्स में से एक रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं मेरे लाइफ में, एक तो वो थी। और दूसरे बाबा रामदेव थे, जो कि इंटरनेशनल योगा डे होता है इसलिए वो खास तौर पर से उन्हें बुलाया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसे पहलू मुझे नजर आए जो मुझे लगा कि मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात करती हूँ अरुणिता के बारे में। अरुणिता ने हाल ही में थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो भी डाला था सोनी के इंस्टा पर, जहां पर वो बोल रही थी कि शी विल बी रियली एंजॉइंग द सॉन्ग ऑफ आर डी बर्मन साहब एंड के आर आडवाणी एंड अनिल कपूर साहब एंड वरुण धवन। ये तीनों ही आने वाले हैं, जुग जुग जियो की स्टार कास्ट आने वाली है और इंटीग्रेशन होने वाला है एंड शी इज गोइंग टू एंजॉय। ये देखते ना मुझे एकदम से इनके सैटरडे का जो एपिसोड रहा था उसकी याद आ गई, जिसमें आते से ही एक तो बहुत सुंदर गाना गा रही है वो, ओके पन्ना की तमन्ना। ये थोड़ा सा कम इट्स लिटिल लेसर हर्ट सॉन्ग, ऐसा मुझे कई सारे लोगों से सुनने में मिला कि वो ये गाने ज्यादा नहीं जानते हैं। तो वो वाला गाना उन्होंने गाया, वो भी समायरा के साथ। फ्रेंड्स, समायरा की मैं बात करती हूँ, समायरा को आपकी अरुणिता ही ढूंढ कर लाई थी। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्यों ऐसा हुआ कि समायरा अरुणिता की टीम में नहीं गई। तो लीजिए भाई, आपकी बातों का संज्ञान लेते हुए आपकी अरुणिता मैडम जी जो है उन्होंने सुन लिया और एक बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग वो समायरा के साथ लेकर आ गई है, पन्ना की तमन्ना। और सीरियसली जब वो गा रही थी तो मुझे अचानक से, जब लास्ट टाइम जीनत जी आई थी इंडियन आइडल के सेट पर और तब अरुणिता ने ये वाला सोलो गाना गाया था, उसकी याद आ गई थी। एंड सच कहूं एक साल हो गया है, कुछ महीने, जितना भी समय आप मानना है मान लीजिए, तब से लेकर अब तक अरुणिता की आवाज में इंच भर का भी कोई तब्दीली नहीं आई है। वो तब भी उतनी मीठी थी, वो आज भी उतनी मीठी है और वो मुझे नहीं लगता आगे बहुत सारे सालों तक उनकी मिठास में इतना सा भी फेर बदल आएगा। वो हमेशा सुंदर ही गाने वाली है। तो ये वाला गाना सुनकर आई वाज वेरी हैप्पी, बहुत ब्यूटीफुली इन दोनों ने ये वाला गाना गाया, तो मैं तो तारीफ करना चाहूंगी। अब मैं बात करती हूँ आर्य नंदा और पवनदीप के सॉन्ग की। हालांकि मुझे रोहन, प्रत्युष, साइशा एंड प्रांजल, सोएब एंड सलमान एंड चैतन्य विश्वजा, सारे ही गाने मुझे बहुत अच्छे लगे, मस्ती आ रही थी और खूब एंजॉय भी कर रही थी। लेकिन यहाँ मैं स्पेशली इस गाने की बात करना चाहती हूँ जो गाना आर्य नंदा और पवन ने गाया है। कौन से गाने गाए हैं? तो दो गाने गाए थे, आसमां के नीचे और शोखियों में घोला जाए। ओके, ये वाला जो गाना है आसमां के नीचे तो वो अ गुड सॉन्ग, लेकिन शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब, उसमें फिर मिलाया जाए थोड़ी सी शराब, ये वाला जो वर्ड है इसको चेंज कर दिया गया, गाने के लाइंस को चेंज कर दिया गया और गाया क्या है, शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब, उसमें फिर मिलाया जाए थोड़ा सा गुलाब। क्यों चेंज किया होगा जरा सोच कर देखिए, अगर नहीं सोच पा रहे तो चलिए मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ आपकी। जो मिनिस्ट्रीज हैं जो कि बच्चों का ध्यान रखती है, श्रम विभाग है जो कि श्रमिकों का, या फिर कहीं भी कोई काम हो रहा हो जिसमें कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, सरकार ने एक बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देकर रखी हुई है जिसके हिसाब से बच्चों को इतने ही घंटे तक काम कराना है, इतने घंटे उन्हें आराम करने देना है, उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो ये ध्यान रखना है, मेंटल उनके ऊपर कोई प्रेशर हो ये ध्यान रखना है कि कहीं किसी तरीके से वो मेंटली प्रेशराइज ना हो जाए किसी भी तरीके से, और उनके शब्दों से, उनके जुबान से कुछ एक शब्द निकलने ही नहीं चाहिए, उन्हें ये सब चीजें बोलनी ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए पवनदीप ने इस, मुझे ऐसा लगता है पवनदीप ने अपनी म्यूजिक टीम के साथ, जिसमें कि नीरज सर हैं और साथी मंगल सर हैं और द कंटेंट टीम की जो क्रिएटिव टीम है वो भी आई एम श्योर इसमें इन्वॉल्व होगी, इन सभी ने मिलकर गाने के वर्डिंग्स को चेंज कर दिया है और शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब, उसमें फिर मिलाया जाए थोड़ा सा गुलाब। यानी आर्य नंदा और वहां पर बैठे हुए मौजूद जितने भी बच्चे हैं उनके सामने ऐसा कोई शब्द बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखा गया है। आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट पवनदीप
एंड द प्रोडक्शन हाउस फॉर दिस पर्टिकुलर मैटर. सर्टनली कभी कभी लगता है अरे यार इसको क्यों मतलब इतनी प्यारी सी बच्ची है इसका क्यों एलिमिनेशन हो गया. कई सारी चीजें होती है जो देखकर लगता है कि अरे प्रोडक्शन हाउस वाले थोड़ा सा ऐसा कर लेते यार वैसा कर लेते. मतलब मेरे भी दिल में होती है, आपके भी दिल में आती ही होंगी कि आज थोड़ा सा ऐसा हो गया वैसा हो गया. लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि बच्चों का शो है, बच्चों की जुबान से क्या बाहर निकलना चाहिए क्या नहीं निकलना चाहिए इस बात का ध्यान रखा है पवनदीप की टीम ने. उसके लिए तो भाई मैं उन्हें शाबाशी भी दूंगी और तालियां भी उनके लिए बजाऊंगी. इतनी सेंसिटिविटी रखना बच्चों के लिए सच में काबिले तारीफ है. अब मुझे बताइए अरुणिता की जो खोज है समायरा जिनके साथ वो गा रही थी वो गाना, और पवनदीप की जो खोज है आरनंदा उनके साथ ये जो एक खूबसूरत मोड़ लिया गया गाने के शब्द बदल दिए गए हैं, इन दोनों इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है लिखकर बताइए. जय हिंद.